जयपुर से बड़ी खबर है, करधनी थाना प्रभारी बीएल मीणा की तत्परता से करोड़ों की लूट बची है। बदमाशों ने पहले तोड़े यूको बैंक के ताले और उसके बाद तोड़ा एटीएम, लेकिन सायरन बजने से बदमाशों में हड़कंप मचा। उधर तुरंत थाना प्रभारी बीएल मीणा भी पहुंच गए मौके पर। एक बदमाश को मौके पर ही धर दबोचा है। बदमाश ने पूछताछ में जानकारी दी, बैंक और एटीएम दोनों ही लूटने की यहां पर योजना थी। अब करधनी थाना पुलिस बाकी बदमाशों की तलाश कर रही है। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, किस तरह से करोड़ों की लूट को तो बचा लिया गया, लेकिन अब क्या कार्रवाई से लेकर की जा रही है, कुछ सुराग उन बदमाशों को लेकर मिला? कुछ था, एक जो बदमाश था वो पुलिस के हाथ में चढ़ गया, पुलिस की तत्परता रही जिसकी वजह से बदमाश पुलिस के हाथ में चढ़ गया। और बदमाश ने कबूल किया है कि हमको बैंक और एटीएम दोनों ही लूटने की वारदात की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने हमारे जो मंसूबे थे पानी फेर दिया। फिलहाल बताया जा रहा है की के अतिरिक्त बदमाश है उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ साथ जिस बदमाश को पुलिस ने दबोचा है उसके पास हथियार मिले हैं, बताया जा रहा है मध्य प्रदेश की गैंग बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी है उन्होंने टीम गठित करके एमपी भेजी जिससे की जो बदमाश है गिरफ्तारी की जा सके। शेखा बिल्कुल, और इन बदमाशों की तादाद कितनी थी, कितनी संख्या में थी, कैसे लेकर कुछ स्पष्ट हुआ? तो देखिए, जैसे बदमाशों ने एंट्री करी उन्होंने बाहर का ताला तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एटीएम का ताला तोड़ा वहाँ जो सायरन होता है जो थाने में लगा होता है, उस सायरन की आवाज से पुलिस को पता लगे कि इलाके में बड़ी वारदात होने हो गई है। ऐसे में तमाम जो थाना अधिकारी थे आस पास के वही मुखेर पहुंच गए और पुलिस के तत्पर कारण ही बदमाशों में हड़कंप मचा। एक बदमाश जो की कुलच के वहाँ गिर गया था उसको पुलिस ने दबोच लिया है। उससे पूछताछ की तो सामने आया की बैंक के साथ साथ एटीएम लूटने का काम था। बैंक के अंदर करीबन 2.5 करोड़ से अधिक की नकदी श्वेता उसमें थी, बड़ी बात होती, लेकिन पुलिस को उसने बता दिया। शुक्रिया सत्यनारायण पूरी जानकारी के लिए।